हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी जो ज्योग्राफी सीरीज एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 4 है, जिसमें एग्रीकल्चर हम पढ़ेंगे। दो पेरीफेरल एग्रीकल्चर बेसिकली जो टॉपिक्स बेसिकली कंसेप्ट थे एग्रीकल्चर से, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं 8th एनसीईआरटी 6th 7th लिटिल बिट, बट इसमें हम थोड़ा ब्रॉड देखेंगे। 10th एनसीईआरटी में बेसिकली क्या है ना, जो भी 8th एनसीईआरटी में था थोड़ा उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश की। तो इसमें बेसिकली हम पहले एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी एंड सो ऑन सब पे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बिफोर एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस देखिए, बाय मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं, उन्होंने क्या कहा है, इफ़ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव चांस टू बी राइट। यानी कि एग्रीकल्चर सो इम्पॉर्टेंट, यानी कि पिलर ऑफ द एनी नेशन, बिकॉज एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉय प्रोवाइड कराती है, जॉब सिक्योरिटी मीन्स, उसके बाद फूड सिक्योरिटी एंड रॉ मटेरियल टू फर्दर एलाइड एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्री। सो एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे बनमोर कोट, एवरी थिंग्स कैन वेट बट एग्रीकल्चर डजंट, दैट इज़ अ कोट बाई मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो एग्रीकल्चर बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर दिस मोटिवेट कोट हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, मूव ऑन। देखिए, इंडिया एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट बिकॉज 2/3, दैट इज़ टू हाई बट मोर देन 50%। ओके, मोर देन 50% पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ फूड एंड कंज्यूम एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सॉरी, टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखिए ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स, इसमें क्या होता है, इस टाइप के एग्रीकल्चर में केवल खुद की नीड को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, यानी कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है और मैनुअल लेबर ही यानी कि होती है, ठीक है। प्रिमिटिव मीन्स ट्रेडिशनल, ऑन स्मॉल पैचेस लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल एंड कम्युनिटी लेबर, ठीक है। इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, तो प्रिमिटिव मीन्स ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर विद ट्रेडिशन प्रिमिटिव टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनुअल लेबर, दैट इज अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और इसका एग्जाम्पल है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, आगे देखिए, अब देखिए किस किस रीजन में जैसे इसका जो प्रिमिटिव यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, इसको पर्टिकुलर रीजन में किस किस नाम से डिमार्केट किया जाता है। जैसे झूमिंग हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। उसके बाद देखिए दीपा बस्तर रीजन में, ठीक है, एंड अंडमान छोटा नागपुर रीजन में, ठीक, इस तरीके से। आगे देखिए वर्ल्ड वाइड झूमिंग कल्टीवेशन को किससे मतलब कि झूमिंग कल्टीवेशन कैसे, किन किन देशों में क्या क्या बोला जाता है, जैसे मिल्पा मैक्सिको में, ओके, एंड सेंट्रल अमेरिका में कनूको बेसिकली वेनेजुएला में, रोका ब्राज़ील में, मशोल सेंट्रल एशिया में, लदांग इंडोनेशिया में, और रे वियतनाम में, ठीक है। फिर इंडिया में देखिए रीजनल लेवल पे यानी कि स्टेट लेवल पे क्या क्या बोला जाता है, देखिए बेबर और धैया एमपी में बोला जाता है, पोडू या पेंदा आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, पमादबी या कोमन उड़ीसा में बोला जाता है, कुमारी वेस्टर्न घाट रीजन में बोला जाता है, बालरे या बाल्ट्रे साउथ ईस्ट राजस्थान में बोला जाता है, खिल हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, क्रूवा झारखंड में, और झूमिंग नॉर्थ ईस्ट में। तो ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके। बेसिकली दीज आर काइंड ऑफ लोकल नेम्स ऑफ झूम एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके, अगर दिए इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग बेसिकली क्या होती है, मान लीजिए दीज फार्मिंग कैन बी ऑपरेटेड बेसिकली ऑपरेटेड स्मॉल लैंड होल्डिंग, ठीक है। देख लीजिए, इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट फॉर एंड इरीगेशन ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हायर प्रोडक्टिविटी बेसिकली खासकर इंडिया में जब लैंड होल्डिंग कम है, तो बेसिकली जब लैंड होल्डिंग यानी एवरेज 0.4 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग है पर पर्सन, ठीक है,
जब इतनी लैंग होल्डिंग कम है तो थोड़े से पैचेज में क्या करते हैं, हायर केमिकल इनपुट पेस्टिसाइड इंसेक्टी डाल के प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं इंटेंसिव, यानी कि पर्टिकुलर रीजन में अधिक से ज़्यादा एंड मोर एंड मोर क्रॉप को बेसिकली कल्टीवेट करना। ठीक है, मूव ऑन। अब देख लीजिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, यानी कि इनका एक लड़का था, इनके दो लड़के थे, इनके तीन लड़का थे, तो जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, दैट इज़ अ वन ऑफ द रीजन इंडिया में स्मॉल होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली क्या, कंसोलिडेटेड फार्मिंग उन रीजन में होती है जहाँ उसके लिए फार्म लैंड बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी कि फार्म लैंड बॉर्ड जैसे अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन इन इंडिया लाइक रीजन लाइक हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। ओके, अब देखिए इनमें क्या होता है, ऑटोमेशन होता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड प्लस टेक्नोलॉजी फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्टिविटीज। ठीक है, यानी कमर्शियल फार्मिंग का पर्पज़ ये होता है कि एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस एक्टिविटी देखा जाए, नॉट अ सब्सिस्टेंस, नॉट अ फुलफिल ओन नीड्स। ओके, दैट इज अ लॉजिक ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, देखिए प्लांटेशन बेसिकली एक टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, जैसे मान लो ये लैंड है, ठीक है, अब इस लैंड पे केवल एक मोनोक्रॉप होगी, या तो मान लो टी होगी, या रबर होगी, या कोकोआ होगी, समथिंग लाइक दैट इज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इंडिया में देखिए जैसे टी आसाम रीजन में, ठीक है, कॉफी कर्नाटक रीजन में, एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए इंडियन क्रॉप को सीजन वाइज डिवाइड किया गया है, थ्री सीजन है, रबी रबी सीजन या रबी क्रॉप, यानी थ्री सीजन में थ्री क्रॉप होती है। जैसे रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप की बेस सोइंग कब होती है, ये इंपॉर्टेंट चार चीज़ें देखेंगे। सोइंग होती है इनकी विंटर में, अक्टूबर से दिसंबर में। हार्वेस्टिंग कब होती है, अप्रैल और जून में। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप होती हैं, देखिए बीट, बारले, पी, ग्राम एंड मस्टर्ड। ओके, उसके बाद रीजन देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड सो ऑन। ओके, खरीफ देख लीजिए, खरीफ की सोइंग कब होती है, मानसून सीजन में। हार्वेस्ट कब होता है, सितंबर अक्टूबर में। मेन क्रॉप कौन सी होती हैं, पैडी, मै, ज्वार, बाजरा, तुर एंड सो ऑन, इवन कॉटन, स्पेशली कॉटन याद रखिए, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। ओके, बिटवीन, अब देखिए बिटवीन रबी एंड खरीफ, यानी कि जून जुलाई, इस रीजन में कौन सी होती हैं, जायद। जायद बेसिकली जैसे वाटर मेलन, मस्क मेलन और ककड़ी, कोकम्बर, दी जा रहा जायद क्रॉप्स। ओके, स्मॉल सीज, स्मॉल टाइम पीरियड अराउंड 2 मंथ के लिए होता है। ठीक है, शुगर कैन, जैसे शुगर कैन टेक ऑलरेडी होल ईयर। ओके, अब देखिए मेजर क्रॉप पढ़ लेते हैं इंडिया में, दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी मेजर क्रॉप इंडिया में हैं। जैसे फर्स्ट क्रॉप देखिए राइस, राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप, यानी कि वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप, यानी कि मेजर क्रॉप फॉर सिक्योरिंग द फूड सिक्योरिटी ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, नेशन, स्टेट एंड ग्लोबल। ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली खरीफ क्रॉप होती है। ओके, टेम्परेचर 25 से अबव चाहिए होता है, एनुअल रेनफॉल यानी कि 100 डिग्री से रेनफॉल हाई होना चाहिए। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, सॉरी। देख लीजिए रीजन, देख लीजिए राइस ग्रोन इन नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके, डेल्टाइक रीजन, ओके, स्पेशली लेस रीजन ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बीड देख लीजिए एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान। बीड देख लीजिए, दिस इज द सेकेंड मोस्ट सीरियल क्रॉप फॉर सिक्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ओके, देखिए रेनफॉल देख लीजिए 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, कूल एंड ग्रोइंग सीजन होना चाहिए। गंगा सतलज प्लान इज लाइक अ हॉट स्पॉट फॉर ग्रोइंग वीट। ओके, पर्टिकुलर रीजन देख लीजिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, इंक्लूडिंग कोस्टल प्लेन्स लाइक आंध्रा, तेलंगाना एंड सॉरी आंध्रा तेलंगाना आंध्रा उड़ीसा एंड तमिलनाडु। ठीक है, अगर मिलेट्स देख लीजिए, मिलेट्स, मिलेट्स मीन्स कोर्स ग्रेन होते हैं। ठीक है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी एंड सो ऑन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यू टू रिच इन आयरन, यानी कि न्यूट्रिएंट रिच, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि रफेज, ये बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, उनके
बेसिकली उसके लिए बहुत फेमस होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रागी आयरन के लिए, ठीक है, मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, वन ऑफ द इनकी स्पेशलिटी होती है। दे कैन बी ग्रो, कैन बी ग्रो इन ड्राई एंड सेमी ड्राई रीजन बिकॉज दे नीड अ लेस इरीगेशनल इनपुट, ओके। एंड इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ 46% कल्टिवेशन या रेन फेड है, यानी मानसून डिपेंडेंट है, तो द यूटिलिटी एंड अडाप्टबिलिटी इनकी इन क्रॉपों की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे देखिए, अब देखिए बाजरा फर्स्ट क्रॉप है। बाजरा बाजरा बेसिकली देखिए, बाजरा मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग देख लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ओके। अब रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लीजिए, कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मेज मीन्स मक्का, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है। दिस इज़ फूड एंड फोडर, यानी कि जो मक्का होती है उससे, जो मक्का होती है बेसिकली उससे क्या होता है, फूड, यानी कि जैसे इवन रूरल एरिया में भी मक्के की रोटी बनाई जाती है। और फिर उसके बाद जैसे अगर फार्मिंग वाली मक्का होती है तो बेसिकली जो क्या नाम कुक्कड़ पालन, यानी कि चिकन मुर्गी पालन इनके लिए यूज होती है, ठीक है। ये खरीफ क्रॉप है, ओके। टेम्परेचर 21-27 चाहिए, हाँ। ओल्ड एलिवेबल प्लेन्स चाहिए, यानी कि सोयल, मॉडर्न इनपुट लाइक इरिगेशन, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इनका भी धड़ल्ले से यूज होना चाहिए, ठीक है। मूव ऑन, अब आगे देखिए द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग। अब देखिए पल्सेस, पल्सेस बेसिकली न्यू बेसिकली प्रोटीन रिच, यानी कि पल्सेस जो प्रोटीन की कौन मात्रा होती है उसको हमारे बेसिकली जो फूड सिक्योरिटी में उनका रोल होता है, यानी कि जो फूड इंटेक होता है उसमें एज अ प्रोटीन का कंपोनेंट पल्सेस द्वारा फुलफिल किया जाता है। देखिए मेजर पल्स कौन कौन सी, तुर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पी एंड ग्राम, ओके। बेसिकली ये भी देखिए पल्सेस के दो यूटिलिटी होती हैं, पल्स ये ड्राई और सेमी ड्राई एरिया में एक बेसिकली इन्हें कल्टीवेट किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें बेसिकली ये थोड़ा क्लाइमेट यानी कि कह सकते हो कि ड्राई एरिया रिजिलियंट होती हैं। सेकेंड ये क्या होती हैं, इनके जो बेसिकली इकोलॉजी कंसेप्ट है, ये पल्स का मान लीजिए ट्री मान लीजिए, तो इनके बेसिकली इनके जो रूट्स होते हैं ना उसमें नाडुल्स होते हैं, नाडुल्स में बैक्टीरिया होते हैं माइकोराइजे, ये क्या करते हैं नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं डायरेक्ट इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रेट्स के फॉर्म में बेसिकली सोयल में नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं, ओके। देखिए मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट दैट इज मध्य प्रदेश इंडिया में, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, ओके। नेक्स्ट देखिए फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन, देखिए शुगर कैन बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप एक तरीके की है, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, टेम्परेचर 21 से 27 होना चाहिए, एनुअल रेनफॉल 25 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए एरियाज देख लीजिए, इसमें कौन कौन से एरियाज हैं इंडिया में, हाँ ये देखिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, फर्स्ट इज ब्राज़ील, ओके। द मेजर रीजन देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र एंड सो एंड सो ऑन। अब देख लीजिए ऑयल सीड बेसिकली फूड इनटेक के लिए, ठीक है, सेकेंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया 2018 में, ठीक है। फर्स्ट कौन था, चाइना, ओके, कनाडा एंड सो ऑन, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग में कौन कौन से आते हैं, जैसे ग्राउंड नट, मूँगफली, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, सो ऑन, सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी, ओके। अब देखिए ग्राउंड नट देख लीजिए, ग्राउंड नट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिकली ऑयल कॉन्स्टिट्यूट क्रॉप, ओके, जो बेसिकली जिसका ऑयल का यूज करते हैं हम खाना बनाने में, यानी कि एक तरीके जो फूड इंटेक प्रॉपर जो फूड कह सकते हो कि फूड बनाने में यूज किया जाता है उसी ऑयल में ग्राउंड नट वन ऑफ द मेजर फैक्टर, ग्राउंड नट, ओके, खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। एंड ये भी कह सकते हो कि ड्राई रीजन में भी हो सकती है, यानी कि ये भी अडेप्टेबल है टू ड्राई एरिया, ओके, क्लाइमेट रीजन टाइप, ओके। गुजरात मैन वन ऑफ द लीडर प्रोड्यूसर, उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, ओके। सीसम भी खरीफ क्रॉप है, कस्टर्ड सीड एंड सो एंड सो ऑन। बेसिकली जो ऑयल सीड हैं इनके रिलेटेड ये थोड़ा स्लाइड थी, ठीक है। आगे चलिए टी देखिए, टी
इंट्रोड्यूस इनिशियली किसने ब्रिटिश ने इसे इंट्रोड्यूस किया, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में हो सकती है। अब बेल ड्रेन, हाँ ये इंपॉर्टेंट, बेल ड्रेन फर्टाइल बेल ड्रेन सोयल रिच ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस तरीके की सॉइल चाहिए टी को कल्टीवेट करने के लिए। अब देख लीजिए इंडिया में रीजन देख लीजिए, थोड़ा और देख लेते हैं इंडिया में जो मेजर रीजन है, देखिए मेजर रीजन देखिए आसाम, ठीक है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड हिमाचल एंड उत्तराखंड, ओके। हाँ दूसरा देखिए इसकी प्रॉपर्टी देखिए, लेबर इंटेंसिव क्यों होती है कि जो इसकी बेसिकली जो लीव्स होती है ना उनकी पिल्किंग की जाती है और फिर उन्हीं का फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन के बाद क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, तब टी बनती है, ओके। नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप दैट इज अ काफ़ी, काफ़ी बेसिकली वर्ल्ड वाइड इंडिया की बहुत फेमस है, जैसे अरेबिका टाइप, ओके, बाबा भूदान हिल्स एंड नीलगिरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये दीज आर प्रोड्यूस कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया, ओके। आगे देखिए हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेसिकली वेजिटेबल्स, ओके, क्रॉप वेजिटेबल्स फ्रूट इनकी बात हो रही है, ठीक है, इंडिया सेकेंड नंबर पर है आफ्टर चाइना, ठीक है। रीजन कौन कौन से हैं, मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, पाइन एपल, ओके, लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश, ओके, ठीक है, एप्पल एंड पियर्स ऑफ एप्रिकट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड शो एंड शो ऑन। आगे देखिए नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि जो फूड में बेसिकली यूटिलाइज नहीं होती हैं लेकिन क्या है उनका अदर यूज होता है, जैसे रबर, ठीक है, रबर इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कि मोर देन 200 सेंटीमीटर रेंज चाहिए और 25 सेंटीमीटर बेसिकली क्या चाहिए, 25 सेल्सियस टेम्परेचर और मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ओके। इंडिया में कौन कौन से रीजन देखिए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, दीज आर रीजन ऑफ रबर कल्टीवेशन इन इंडिया। फाइबर क्रॉप देखिए, फाइबर क्रॉप मीन्स जो फाइबर वाली हैं, जैसे कपड़े बनाना इस तरीके से, जैसे कॉटन, कॉटन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन आफ्टर चाइना, ठीक है। देखिए इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ओके, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि ओला वगैरह ना हो, जैसे ये कॉटन की बॉल्स होती हैं अगर ओले पड़ते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बॉल्स होती ना ये कॉटन की क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, इसीलिए 210 यानी कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, ओके। 6 to 8 मंथ बेसिकली मेच्योरिंग जेस्टेशन पीरियड होता है। मेजर रीजन देख लीजिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड सो ऑन, इवन बेसिकली नॉन कॉटन रीजन लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में कॉटन बेसिकली उगाया जाता है ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ एग्रो टेक्नोलॉजी, ओके। जूट देख लीजिए, जूट को देखो गोल्डन फाइबर बोला जाता है, ठीक है, बेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए, ओके, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। मेजर रीजन देखिए वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड उड़ीसा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जूट की डिमांड बेसिकली घटती चली जा रही है पर डे बिकॉज ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट एंड लूजिंग मार्केट बट चीप अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर पैकिंग मटेरियल दैट इज अ पार्टिकुलरली नायलॉन, ओके। अब टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म बेसिकली इसका बेसिकली एग्रीकल्चर में क्या है ना, एग्रीकल्चर को डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, जैसे टेक्नोलॉजी, ठीक है, दूसरा जैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जैसे मार्केटिंग के बाद बेसिकली फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और स्टोरेज फैसिलिटी एंड सो ऑन। तो इंडिया 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रहा है उसी पे बात होगी, ठीक है। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड किया, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ओके, दीज आर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन फॉर्म ऑफ लैंड रिफॉर्म। उसके बाद हमने बेसिकली एक कह सकते हो कि पॉलिसी इनपुट के लिए क्या किया, फाइव ईयर प्लान चलाए, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में हमने क्या किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया, ठीक है, इस तरीके से, और उसी के अंदर हमने लैंड रिफॉर्म किए, ओके। फिर देखिए 1966 में
ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए, उससे क्या किया, टेक्नोलॉजिकल इनपुट प्रोवाइड कराया, ओके। फिर वाइट रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, एलाइड एक्टिविटी यानी कि जो वाइट ऑपरेशन फ्लड यानी कि मिल्क मिल्क को मीन्स मिल्क रिवॉल्यूशनाइज किया, यानी कि मिल्क को इंडस्ट्रियलाइज और क्या नाम एक तरीके से कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑपरेशन चलाया, ओके। 1990 में क्या किया, मैनी अदर बेसिकली क्या 90s and 99 अदर इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल इनपुट हमने स्टार्ट किए, जैसे KCC किसान क्रेडिट कार्ड, ओके, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, ओके, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ओके। उसके बाद देखिए मिनिमम सपोर्ट सिस्टम चलाया, उसके बाद बेसिकली प्रोक्योरमेंट सिस्टम, यानी कि दीज आर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल कम पॉलिसी सपोर्ट, जिससे क्या हुआ फार्मर को जैसे सब्सिडी मानी फर्टिलाइज सब्सिडी इन सब का हेल्प करके इंश्योरेंस, ताकि फार्मर को बेसिकली मोर एंड मोर प्रोटेक्शन दिया जाए, इनिशिएटिव से दिया जाए, जिससे कि वो एग्रीकल्चर को मोर एंड मोर साइंटिफिक वे से अप्रोच कर सकें, ठीक है। ये देख लीजिए बेसिकली क्या हुआ, अब बिफोर इंडिपेंडेंस दो मूवमेंट चलाए गए, एक भूदान ग्राम मूवमेंट, एक बेसिकली ग्रामदान मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट सुन लीजिए, इन दोनों मूवमेंट बेसिकली क्या थे, महात्मा गांधी के इंस्पायर्ड फिलॉसफी पे ये दोनों बेसिकली मूवमेंट थे। इसमें क्या किया, जो भी ज़मींदार थे जिनके पास बहुत सारी लैंड थी, तो उनको ये उनको परसुएट किया गया ऑन बेस्ड ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी कि बेसिकली जो लैंड है वो बेसिकली कम्युनिटी ओनरशिप है, यानी कि दैट बिलोंग टू कम्युनिटी, तो इसलिए जो बेसिकली लैंड होल्डिंग को क्या कहिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि मान लीजिए ज़मींदार साहब के पास ज़्यादा है तो इनकी इतनी कम कर दे, रिमेनिंग इसको थोड़ा थोड़ा करके इंडिविजुअल फार्मर यानी कि फार्मर F1, F2, F3 के पास डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। दैट इज़ अ ग्राम, दैट इज़ अ भूदान मूवमेंट। अब बेसिकली इसकी शुरुआत गांधी ग्राम स्वराज से इनिशिएटिव्स था, ओके। तो क्या हुआ, पदयात्रा की विनोबा भावे ही वाज अ फॉलोअर ऑफ गांधी। उसी दौरान क्या हुआ, वन ऑफ द टावरिंग पर्सनालिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड आल्सो जमींदार श्री राम चड्डा रेड्डी, उन्होंने क्या किया 80 एकड़ अपनी ज़मीन डोनेट कर दी लैंडलेस विलेजर्स के लिए। तो यहाँ से एक कहानी स्टार्ट हो जाती है, फिर बेसिकली इसमें और डोनेशन होने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें मोस्ट ऑफ द जो लैंड होती है ना वो अनफर्टाइल होती है, अनकल्टिवेटेड होती है, तो इसका जो पर्पज होता है फाइनली डिफीट हो जाता है। अनदर फिलोसफी गांधी जी द्वारा स्टार्ट की थी ग्रामदान, यानी कि मान लीजिए ये गाँव है, ठीक है, ये गांव है, अब इसकी जो चारों ओर की जो लैंड है वो गांव से रिलेटेड है, तो यानी कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अब ऐसा नहीं गांव का एक आदमी है, यानी कि एक ज़मींदार साहब हैं उनके पास 90% लैंड है, और जो 90% है जो 90% है वो केवल 10% में है। तो इसको बेसिकली गांधी जी ने कंसेप्ट दिया, ये जो बेसिकली जो ग्राम है ना ये कम्युनिटी ओनरशिप है, यानी कि लैंड सबके पास होना चाहिए। तो इन दोनों को मिला के ये बोला गया कि ये जो रिवॉल्यूशन थी द भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे नोन इज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज अ की विच मूवमेंट ऑफ इंडिया नोन इज अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, दैट इज अ ग्रामदान और भूदान मूवमेंट, ओके। सो दिस इज लिटिल बिट ब्रॉड चैप्टर, वी कवर्ड ऑल द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिर उसके बाद क्या नाम मेजर क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन, फाइबर क्रॉप्स, नॉन फाइबर क्रॉप्स एंड उनका लोकेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सो ऑन। उसके फाइनली वी कंक्लूडेड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड पॉलिसी सपोर्ट बाय गवर्नमेंट एंड लेटेस्ट बिट परसुएशन एफर्ट बाय मिस्टर गांधी एंड विनोबा भावे फॉर लैंड रिफॉर्म, ओके। सो आई होप गाइज यू लाइक माई डिस्कशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, that will motivate me for making more and more innovative, critical and sound videos for you. Thank you for